मते जुलम करे मेरी सा चाहते को ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जीवन खातिर बेटे का शरीर नहीं शेर ने जीवन खातिर बेटे का शरीर के डाल दो इतने बेबी इतने बेबी ना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने बेबी ना माने तो धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे है फकीर चीर के मरवा के माता क्या घर की बंद जावेगी ठेके
हाथों की, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, हाथी उम्र हाथ टेके किसके ऊपर उम्र कटे मेरी, हाथी उम्र हाथ टेके। ओ घरे बैठी बहू यो जवान जान लग love kare meri पति के बारे में सोच रही है बेटी, लेकिन मुझे तो देख, मैं एक माँ भी हूँ और एक पत्नी भी हूँ। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है लाडो, आखिर तू ही बता कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ बेटी। सासू माँ वचन देने से पहले क्या आपने मेरी मेरे से एक बार भी पूछा था, सोचना चाहिए था कि कल परसों तो मैं अपना परिवार छोड़कर के आपके परिवार में आई हूँ, आप ही को मैंने अपना सब कुछ माना, लेकिन आप मेरे साथ में ये कितनी बड़ी अनहोनी कर रहे हो। मैंने अभी बताया था कि समय का खेल है लाडो, उन संतों ने वचन भरवाए और वचन भरवाने के बाद तब उन्होंने दान मांगा, अगर दान पहले मांग लिया होता तो तेरे पिताश्री वचन भरने से इनकार कर देते बेटी, लेकिन उन संतों ने फंसा दिया है, अगर आज वचन पूरे नहीं कर पाएंगे तो तेरे ससुर वचनहार हो जाएंगे, दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बेटी सुन ले मेरी बात जरा, कहिए बेटे की ममता धर्म का सवाल री, नौ महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार हाल री, नौ महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार हाल री, तू तो सासु खाई खेली हो, तू तो सासु खाई खेली आया मेरा बारी री, हाँ बेटे ने हेरी बेटे ने हेरी बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री, नहीं शेर ने हेरी शेर ने जिमावे क्यों ना क्या तेरे भी भरतार री, ओ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री, ओ तू तो देखो क्यों ना तेरे भी बरतार सही कहा लाडो,
सही कहा तूने, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अगर वो शेर, अगर वो संत अपने शेर के लिए मेरे पति का मांस मांगते तो आज मैं एक भिखारण बनकर तेरे पास में नहीं आती, तेरे पास में आकर झोली नहीं फैलाती, गिड़गिड़ाती नहीं, रोती नहीं। मैं तो हंसते हंसते अपने पति को शेर की भेंट चढ़ा देती, क्योंकि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूं कि एक औरत ही एक दूसरी औरत का दर्द समझती है, कि क्या आपने मेरा दर्द नहीं समझा कि कल परसों तो मैं आपके घर में प्याली बन के आई और आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आ गई। मैं जानती हूं अगर आपको अपना बेटा दान में ही देना था तो उसकी शादी नहीं करनी थी। ये क्या पता था कि शादी होने के बाद में ये संत हमारे इकलौते पुत्र को दान में मांग लेंगे। और अगर मैं तेरा दर्द नहीं समझती तो आज यहाँ पे पूछने के लिए नहीं आती, अपने बेटे को तुझसे मांगने के लिए नहीं आती, क्योंकि तुझसे ज्यादा हक मेरे बेटे पर मेरा है। लेकिन अब मेरा अधिकार इतना नहीं है लाडो, क्योंकि तू उसकी अर्धांगनी बन के आई है। मेरी बात सुने जरा, कहिए। देखी माझने बिगाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा, तन्ने बादल फाड़ दिए, जहर मार तेरी मन है, क्यों मेरे तबैर करे, सुर का सुरैया पूरने ना दुश्मन पे खैर करे।